नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं गेम आज तक यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं OB15 में जो न्यू अपडेट आया है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को फुल देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिए। पहली बात तो ये है कि एक कैरेक्टर गोल्ड में आ चुका है, जो एंटोनियो है वो गोल्ड में आ चुका है। जो लोग नहीं जानते वो स्टोर में जाइए और एंटोनियो परचेस कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग एंटोनियो ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि न्यू जो कैरेक्टर आया है राफेल, वो एक डायमंड परचेस करने से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए डायमंड सेक्शन में और टॉप अप कीजिए, नहीं तो आप लोग 25 रुपये का टॉप अप कोडा शॉप में मिलता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग 25 डायमंड का टॉप अप करना चाहते हैं तो वहां से जाकर कर लीजिए। आप लोगों को ये बैनर लोडिंग स्क्रीन में देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को लग अच्छा हुआ तो ये वाला ड्रेस आप लोगों को गेम ख़त्म होने के बाद ड्रॉप में से मिल सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, आज मिस्ट्री शॉप जाने वाला है। जो लोग यहाँ से कुछ नहीं परचेस किए हो सोच रहे हो परचेस करने के लिए, तो आज जाकर परचेस कीजिए क्योंकि आज ही एक ख़त्म होने वाला है। तो जल्दी से जाइए और परचेस कीजिए। और आप लोगों को कोड नेम सेक्शन में जाने के बाद मिशन एक्स नाम के और एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को 3 टास्क कंप्लीट करना होगा। तो आप लोगों को जो जो यहाँ पर जो जो रिवॉर्ड दिख रहा है वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। फर्स्ट जो टास्क है वो है 20 एनिमी को किल करना होगा। सेकंड टास्क है आपको 5 रैंक मैच खेलना होगा। और थर्ड टास्क है 4 क्लासिक मैच में बुया करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ से सब रिवॉर्ड मिल जाएगा। और ए वाला टास्क आज जो आप लोगों को ब्लैक ड्रेस मिला है वो पहन कर करना होगा, नहीं तो आपको बुया या किल काउंट नहीं होगा। और ज़ॉम्बी मोड में आप लोगों को और एक मोड देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में वो 3 नंबर वाला जो मोड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा मोड है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग चाहे खेलिए। जो लोग ज़ॉम्बी मोड लवर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग जाकर वो ट्राई कर सकते हैं। किल के ऑप्शन के बाद जो एक न्यू ऑप्शन आया, ये न्यू नहीं है, ये पहले भी था बट अभी मॉडिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसमें बहुत कुछ ऐड किया है। यहाँ से आप लोग गन की स्पेशलिटी के बारे में जान सकते हो। तो वो कैसे जानेंगे तो आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पर वेपन में जाइए और वेपन में जाने के बाद जो वेपन के बारे में आप जानना चाहते हैं इसमें क्लिक कीजिए और मोर इन्फो पे जाइए। तो यहाँ से आप लोगों को सब कुछ दिखा देगा, इस गन का डैमेज कितना है, रेंज कितना है, मैगजीन कितना है। तो आप लोग यहाँ से बहुत कुछ जान सकते हैं। ये बहुत है एक अच्छा फीचर दिया, ये पहले नहीं हुआ करता था इस गेम में। हम लोगों को दूसरी वेबसाइट में जाकर देखना पड़ता था कि गन की डैमेज कितना है, कौन सी गन अच्छा है। तो आप लोग अभी यहाँ से सब कुछ जान सकते हैं। आप लोग यहाँ से बहुत सारे रिवॉर्ड जान कर सकते हो, कैसे मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर कुछ कोई भी गन नहीं है, ये कैसे फिलअप करना है ये मैं बताने वाला हूँ। आप लोग गेम पे जाइए तो ए वाला गन को यूज़ कीजिए तो ये फिलअप होगा, हो जाएगा। जब टोटली इसकी सारे गन फिलअप हो जाएगा तब यहाँ पर गोल में जाइए तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं डिस्कवरीज में जो पर्गेटरी और बरमूडा मैप है इसके बारे में बताने वाला हूँ। इस मैटर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूशन था, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। यहाँ से भी आप लोग बहुत अच्छी रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से आप लोगों को बैनर बहुत ही अच्छी बैनर देखने के लिए मिल जाएगा, पर्गेटरी मैप के लिए और बरमूडा मैप दोनों के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। जो लोग एलिक पास नहीं खरीदते उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है, उनको बहुत ही अच्छा बैनर देखने के लिए मिल जाएगा। एक ऐसे कंप्लीट करना है मैं बताने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ से धीरे धीरे डार्क स्पॉट हट रहा है क्योंकि मैंने उन जगह पे एक्सप्लोर किया है, इसलिए मेरे वहाँ से डार्क स्पॉट हट जाएगा। जब टोटली फुल मैप से डार्क स्पॉट हट जाएगा तब यहाँ से जाकर बैनर और 500 गोल्ड क्लेम कर सकते हैं।
मैं आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो मुझे यही बताना था, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।